कैसे हो भाई? कैसे हो? गुड टू सी यू. थैंक यू फॉर कमिंग. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू यार. थैंक यू सो मच. पहले क्या हम फाइट कर रहे हैं? अरे हम भाई आ गए. फोटो करते हैं. पहले फोटो नेता. पहले फोटो अच्छा है. 365 दिन है. पहले फोटो ठीक है ना? सब लाइफ में पूछ रहे Thank you. But then you get mobile. Sorry, sir. Okay. Right, totally cross. I'm going to be here. Now I'm left. Cut your left. Congratulations. Such a fan. I've told you. Anand sir, are you here? Ma'am, ma'am. Abhi aayi. Excuse me. अरे फिर वही दर्शन आ जाए. दर्शन संदीप आ जाए भाई. थैंक यू. प्रैक्टिस दिन तो खत्म हो गए. कल आज फिनिश हो गया. लास्ट पिक्चर 80 का खत्म हो गया. 10 दिन का छोटा 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 सब डिसिप्लिन में रखते हैं. वो तो देखना जरूरी. वो तो मेन हीरो है. ओके विवेक जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन. थैंक यू यार. थैंक यू सो मच. मैं आपको देखूंगी सामने देखूँ. सवाल सुन लीजिए यहीं से. ढेरों सारी प्रॉब्लम के बाद फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया. इन सब कुछ पीएम नरेंद्र मोदी फेस करने के बाद अब हम सभी सफलता सक्सेस के मौके पर प्रेजेंट हैं. क्या कुछ फीलिंग होती है ऐसे मौके पर? बस ईश्वर को थैंक यू करता हूँ रोज़ कि इतनी मुश्किलें हमने फेस की, उसके बावजूद फिल्म को इतनी अच्छी रिलीज़ मिली, सबका सपोर्ट मिला, लोगों का प्यार मिला. छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे लोगों ने वीडियोस भेजे कि फलानी जगह में स्टैंडिंग ओवेशन हो रहा है तो हम भेज रहे हैं, चाहे वो अबू धाबी में जब गए थे तब, या जब कनाडा में हुआ, या जब ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने वीडियोस भेजे या पोस्ट किए ऑनलाइन, और हिंदुस्तान में भी जब लोग भेज रहे थे कि भाई पिक्चर हाउसफुल चल रही है, फिल्म के बाद नेशनल एंथम चला, लोग गाने लग गए पूरी देशभक्ति की भावना के साथ में, तो ये सब चीज़ें सुन के बहुत अच्छी लगी. लेकिन सबसे ख़ास मेरे लिए एक बात थी कि एक 9 साल की छोटी बच्ची जिसने हमारी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी देखी, उसने कहा मुझे कि मैं ना हमेशा एक्ट्रेस बनना चाहती थी लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है. तो ये जो इम्पैक्ट एक रहा है इस फिल्म का, ये मुझे लगता है कि हमारा असली उद्देश्य था, एक इंस्पिरेशनल फिल्म बनाना, देशभक्ति के ऊपर फिल्म बनाना, और बहुत प्यार मिला. तो वेरी वेरी थैंकफुल गॉड एंड टू ऑल द पीपल हु सपोर्टेड द फिल्म. और हमने देखा कि फिल्म रिलीज होते ही पीएम मोदी की विक्ट्री हो गई और लोकसभा इलेक्शन में वो
बहुत ही भारी से जीते भी, तो उन्हें क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं यार, बहुत खुशी की बात है, मोदी जी तो काम ही कर रहे हैं, लेकिन खुशी हमें होनी चाहिए, भारत को होनी चाहिए, क्योंकि एक जो एक भारत को नई बुलंदी पे ले जाना है, जो हमारी फिल्म में भी हमने एक डेडिकेशन दिखाया है मोदी जी का, वो पिछले 5 साल में जो उन्होंने किया है, शायद काफ़ी लोग कहते हैं कि 50 साल में भी हिंदुस्तान में वो सब नहीं हो पाया जो उन्होंने 5 साल में किया, तो अगले 5 साल में मुझे लगता है कि भारत को भी GDP के हिसाब से कहते हैं कि 5वें स्तर पर है भारत, तो मुझे लगता है कि अव्वल स्तर पर ले आएँ, मुझे बहुत खुशी होगी, मेरा देश आगे बढ़ेगा, हम सब बहुत बहुत होप रखते हैं उनसे, बहुत आशाएं रखते हैं मोदी जी से, और मुझे लगता है कि वो हमेशा की तरह आशाओं पे खरे उतरेंगे। इसके अलावा और 2019 में और क्या कुछ हमें आपके प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे? तो पिछला साल बहुत अच्छा गया इनसाइड एज के लिए, हमें एमी नॉमिनेशन मिला, तो इसीलिए हमने बैक टू बैक 2 सीज़न शूट किए, सीज़न 2, और अब मैं सीज़न 3, जिस दिन एक्चुअली 24 को PM नरेंद्र मोदी रिलीज़ हुई थी उसी दिन मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट फॉर इनसाइड एज सीज़न 3 शुरू हो गया। बहुत अच्छा लगता है एक्सेल के साथ काम करना, पूरी टीम, करण अंशुमन, पूरे सारे एक्टर्स, रिचा, तनुज, इट्स लाइक गोइंग बैक होम। तो अब तीसरा सीज़न मैं शूट कर रहा हूँ, ये सीज़न फिनिश करने के बाद एकता के साथ कुछ बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है जो मैं उसके बाद शुरू करूँगा, और एक दो चीज़ें हैं जिसकी अनाउंसमेंट आप शायद जल्दी सुनेंगे। हम देखते हैं कि इन सब के बीच में ट्विटर पर आप भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन हमने देखा कि लास्ट डे मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का ट्विटर हैक कर दिया गया, तो आप इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? आपका यार ये लाइफ है, क्या कर सकते हैं, हैक हो गया और सब जानते हैं बच्चन साहब को, और उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ी गरिमा है, मुझे लगता है कि कोई भी अगर कुछ भी मस्ती करने की कोशिश करे उनके अकाउंट के साथ तो लोगों को तो पता ही चलता है, बहुत सारे लोग उनको पूरी दुनिया फॉलो करती है, तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन इशू। हाँ, ट्विटर के लिए ये इशू है कि किस तरह से वो हैक करने के जो नए नए तरीके लोग लेकर आते हैं उन्हें रोकते जाएं तो बेहतर होते जाएं। और आप एक एक्टर, एक हस्बैंड के साथ साथ आप एक फादर भी हैं, 16th ऑफ जून को जो फादर्स डे भी आ रहा है, जी इसे कैसे देखते हैं आप, कैसे सेलिब्रेशन होने वाला है और क्या कुछ कहना चाहेंगे फादर्स डे के मौके पर? मैं अभी वापस मालदीव से अभी भी आया हूँ, फैमिली को बहुत दिनों के बाद छुट्टी के लिए ले गया था, ये फिल्म के सक्सेस के बाद थोड़ा सा मैंने कहा कि मुझे भी ब्रेक लेना है, बच्चों को बहुत दिनों से समय नहीं दे पाया, और बहुत मज़ा आया उस वेकेशन में। वापस आते वक्त मेरे पीछे एक पायलट साहब बैठे हुए थे, ही वॉज़ ट्रैवलिंग बैक, और वो मुझे कह रहे थे कि क्योंकि वो देख रहे थे कि मैं, दोनों बच्चे अगल बगल मेरे, मैं बीच में, और दोनों बच्चों के साथ मैं अलग अलग गेम्स खेल रहा था, ऐसी गेम्स जिससे शायद वो कुछ सीखें, बेहतर हों लाइफ में, और अच्छी अच्छी कहानियाँ, छोटी बातें, 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट में बैठे बैठे हम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर बात कही कि लोग अक्सर आईपैड हाथ में थमा देते हैं या फिर नैनी मेड को पकड़ा देते हैं कि संभालो बच्चे, और अपने में लग जाते हैं, लेकिन ये देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करते हो, तो मुझे लगता है कि फादर्स डे पर यही है, एवरी डे इज़ फादर्स डे, और हर दिन अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दे सकें, हम भाग दौड़ इतनी करते हैं, मेहनत इतनी करते हैं, हम भूल जाते हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए तो मेरी फैमिली सबसे बड़ी वेल्थ है, और मेरे बच्चे खुश रहें, लोगों की दुआ बस यही लगे मुझे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। जय हिंद। थैंक यू। You want a shower? Thank you.
हाँ जी कॉन्ग्रेचुलेशन, ढेरों सारी प्रॉब्लम के बाद फिल्म को नहीं रिलीज होने दिया गया, लेकिन उन सबके बाद फिल्म आज सक्सेस के मौके पर हम सभी प्रेजेंट हैं। डायरेक्टर को बताइए क्या कुछ फीलिंग होती है आपकी? नाम बहुत ही खुशी का मौका है क्योंकि फाइनली वी गेट टू सेलिब्रेट। टेंशन थ्रू आउट रहा है, मतलब शूट के वक्त और फिर बाद में रिलीज़ करते वक्त, रिलीज़ में तो पसीने छूट गए मतलब पूछो मत, लेकिन फाइनली ये जो मौका आता है इसके लिए हम रुकते हैं, मतलब पूरा हमारा क्रू यू नो और एक स्टार सब लोग रुके हुए थे कि हम सेलिब्रेट कब करेंगे। फिंगर्स वे क्रॉस्ड कि वो जीते तो हमारी पिक्चर का भी यू नो फाइनली सक्सेस हमें भी दिखे, एंड ही वन फैंटास्टिकली, लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, एंड वही हम सोच रहे थे कि उसका थोड़ा फ़ायदा हमको भी हो, एंड पिक्चर हमारी हमने दिल से बनाई थी और उस हिसाब से ही पब्लिक को पसंद आई, सीटी मार रहे थे यू नो तालियां मार रहे थे, तो खुशी है। नहीं अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं करूँगा क्योंकि जो भी अनाउंसमेंट करता हूँ कभी होता नहीं है तो जब होगा तभी अनाउंस करूँगा। हाँ वैकेशन गोवा में जाके आराम से सेटल होंगे, उधर घर खरीदा है तो वहाँ जरा मरम्मत करेंगे और नया घर बनाएंगे उधर। थैंक यू। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की थी और ये लोगों के दिलों को छू गई, इससे बड़े खुशी की बात हमारे लिए और हमारी टीम के लिए नहीं हो सकती। आज उसी का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारी ऑडियंस का और आप सब लोगों का जो आप लोगों से इतना प्यार मिला। बिल्कुल मैं पूछना चाहूँगा कि उनकी इतनी जो एनर्जी है, जो इतनी पॉजिटिव थॉट है, जो वो इतने पैशनेट है अपने काम को लेके, उसके पीछे राज क्या है? क्योंकि हम भी एज एन एक्टर ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, तो वो पैशनेट वो पैशन कहाँ से आता है वो हमें जानना है। चलिए शुरुआत काफ़ी अच्छी हो चुकी है, इसके अलावा जी जी मैंने अभी दो फिल्में साइन की हैं जिसके अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाली है, और इसके अलावा मेरी दो वेब सीरीज़ आ रही हैं, एक अमेजोन पे आ रही है, एक नेटफ्लिक्स पे आ रही है, तो बहुत जल्दी वो रिलीज़ होने वाली है। किस तरह के सेट्स में आप थे? एक में मैं आर्मी ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ और दूसरी एक सस्पेंस थ्रिलर है जो मनोज वाजपेयी और मैं उनके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारे प्रोड्यूसर साहब आ गए। हेलो सर। थैंक यू। तुम बोल दिए सर आपका शोरूम हो गया?
speak, please, both of you all. Speak, sir. Let us speak. Go to that. Ye bola pehle. Ladies first. I know, you know, itni controversy ke baad, I think finally hamari film release hui. And I think it was worth the wait because the audiences ko bahut pasand aayi. And that's why hum success party kar rahe hain, we're celebrating it. But I think aap kabhi bhi kisi film ka hissa hote hain aur agar wo film acha karti hai to sabko acha lagta hai. And I think I'm very happy for the whole team, especially Vivek, because unhone bahut mehnat ki hai is film ke liye. And I'm really glad people have liked it. Manoj bhai aa rahe hain? Haan, yeah, chale chale. Are chale chale. Thank you. Aaiye sir, sir. Manoj sir. Man. Madam, here. बोलिए सक्सेस पार्टी के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कंट्रोवर्सी में रही फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया, अब हम सभी यहाँ पे सक्सेस पार्टी पे, तो बताइए क्या कुछ फीलिंग है आपकी, क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा पीएम नरेंद्र मोदी, एक बार तारीख डिसाइड हुई और फिर दोबारा तारीख डिसाइड हुई और दोबारा डिसाइड होने के बाद जो रिज़ल्ट मिला है, देश में विदेश में सभी को, सभी दर्शकों को फिल्म बहुत अच्छी लगी है और आज भी उसकी सराहना हो रही है, हम बहुत खुश हैं। देखिए, जब दिक्कतें आती हैं तो कामयाबी की गारंटी हो जाती है, तो ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट था, लोगों के दिलों तक पहुंचने की बात थी, तो दिक्कतें तो आनी स्वाभाविक थी, लेकिन उसके बाद में लोगों के दिलों तक जो पहुँची है, और ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, ये फिल्म ऐसी है जो आपको आगे ले जाती है, आपको इंस्पायर करती है, आपको मोटिवेशन देती है। तो इस फिल्म को सिर्फ फिल्म की तरह ना देखें, और लोगों ने देखा भी नहीं है, जो लोग फ़ोन करके बताते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं कि एक व्यक्ति की जर्नी इतनी लंबी कैसे हो सकती है। तो हर आदमी अपने आप में वो संभावना देखता है, ये फिल्म संभावनाओं की फिल्म है, ये अपने भीतर जाकर देखने की फिल्म है कि आपके अंदर, एक मनुष्य के अंदर कितनी संभावनाएँ हैं, कि आदमी कहाँ से निकल कर कहाँ तक जा सकता है। सो ये सक्सेस, तो ये फिल्म तो अभी भी लोगों के दिल में रहेगी, स्क्रीन से उतर जाए दिल से नहीं उतरेगी, और इसके आगे कुछ और आने की संभावना तो ज़्यादा मज़ा है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हेलो हेलो। सो सक्सेस के मौके पर हम सभी यहाँ पे जिनके, आप बताइए कि क्या कुछ क्या कहना चाहेंगे? सी, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है और इट इज़ गॉट सम रिकग्निशन, थोड़ा बहुत अच्छा रिसीव होता है, तो एज एन एक्टर यू ऑलवेज फील गुड अबाउट इट, यू नो, यू ऑलवेज फील कि थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता तो और अच्छा लगता, यू नो। लेकिन अभी ये सक्सेस पार्टी के लिए बुलाया है और हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब भी कोई फिल्म जिसमें तुमने काम किया उसको सक्सेस मिले, लोग देखें, तो इट इज़ गुड फॉर एवरीबॉडी एल्स, यू नो। वेल, हम लोग सब आए, थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि ट्रैफिक है, लेकिन बट आई एम श्योर कि आई एम ट्राइंग टू गो एंड मेक अप फॉर ऑल द टाइम दैट आई हैव लॉस्ट, यू नो, आई एम गोना हैव अ गुड टाइम, एवरीबॉडी टू, थैंक यू। आचार्य जी, ओके, तो काफ़ी प्रॉब्लम के बाद फाइनली फिल्म रिलीज एंड सक्सेस भी हो गई है फिल्म,
देखिए सक्सेस हो गई यही सबसे अच्छी फीलिंग है। कोई भी काम जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमारी नीयत यही रहती है कि वो सक्सेस हो जाए, और आज हम सक्सेस पार्टी में खड़े हैं और बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ संदीप सिंह को, बहुत मेहनत की उन्होंने और इस फिल्म को बहुत तकलीफ़ों से यहाँ तक पहुँचाया, अंजाम दिया। मालिक उनको और इससे बड़ी कामयाबी दे। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे आप सक्सेस के मौके पर? हम मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो चाहते थे कि दुनिया को मोदी जी की स्टोरी पता चले, वो चाहे देर सवेर पता चली, और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और लोगों ने बहुत तारीफ़ करी। जब थिएटर से लोग बाहर निकले तो उन्होंने सच में उस चीज़ को सुपर्ब बोला कि उनको एक्चुअल में जो स्टोरी चाहिए थी वो उनको मिली, और हम लोग आज उसी सक्सेस पार्टी पे हैं और हमें बहुत खुशी है। कितना एंजॉय करने वाले हैं आज की शाम सक्सेस पार्टी को? सभी लोग एंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। Left, 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 left,